लघु निबंध नदी। आज हम नदी के बारे में निबंध पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका उत्तर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर ना आता हो तो आपको इसका उत्तर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हाँ, तो बताइए भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? हमारे देश में बहने वाली पांच नदियों के नाम बताओ, और हमारे देश की सबसे चौड़ी नदी कौन कौन सी है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य करिएगा। लेट्स स्टार्ट। यह एक नदी है, यह एक बड़ी नदी है, यह एक गहरी नदी है, यह पानी से भरी रहती है, इसे वर्षा से जल मिलता है, इसके आस पास पेड़ है, इसका पानी साफ रहता है, इसमें बहुत मछलियाँ रहती हैं, इसका पानी बहुत उपयोगी है, पशु इसका उपयोग करते हैं, पशु नहाते हैं, पीते भी हैं, लोग इसमें कपड़े धोते हैं, वे इसमें नहाते भी हैं, यह खेती में उपयोगी है, मैं इसमें नहाना पसंद करता हूँ या करती हूँ। हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए, हमें हमेशा अपनी नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी ना फैले। लोग उसमें नहाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और जो प्रश्न का उत्तर है, उसका पहला है कि सबसे पवित्र नदी है गंगा, और पांच नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, कृष्णा, और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने।